इंदौर से है जहां के राजेंद्र नगर थाने क्षेत्र में एक होमोसेक्सुअल ने अपने प्रेमी से प्यार में धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना 31 दिसंबर की है। पुलिस ने 89 दिन बाद बुधवार को प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक का नाम हिमांशु शर्मा बताया जाता है, जिसने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि अमन मंसूरी ने 3 साल तक उससे संबंध बनाए, मन भर गया तो कहने लगा कि अब लड़की चाहिए। वो 2 माह से मुझे टॉर्चर कर रहा था, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। राजेंद्र नगर ने बिजलपुर निवासी आरोपी अमन मंसूरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार देर रात उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी अमन मंसूरी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बिजलपुर निवासी आरोपी अमन मंसूरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार देर रात केस को दर्ज कर लिया है, जबकि अभी वो पकड़ से दूर है। सुसाइड नोट की जांच के बाद ही केस दर्ज किया गया। टीआई मनीष डाबर ने बताया कि अमन मंसूरी और हिमांशु शर्मा के बीच दोस्ती थी। 3 साल तक वो लिव इन में भी रहे। इसी बीच अमन की दोस्ती दूसरी लड़की से हो गई और उसने हिमांशु को छोड़ दिया। इस बात को लेकर हिमांशु और अमन के बीच हाथापाई भी हुई और इसी बात से नाराज होकर हिमांशु ने फांसी लगा ली थी। हिमांशु ने जो सुसाइड नोट लिखा था, उसकी जांच के बाद अमन पर केस दर्ज कर लिया गया है।